महानगर कानपुर सीट से दूसरी बार चुने गए सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए 1 करोड़ रुपए की स्टैम्प चोरी के मामले में सफाई देते हुए कहा है कि सरकार की अदालत में सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए मैं जनता की अदालत में सफाई पेश कर रहा हूँ। मेरे पूरे प्रकरण में सरकार व्यक्तिगत तौर पर टारगेट कर रही है। अधिकारियों ने जांच में 15 करोड़ रुपए की बिल्डिंग की कीमत लगाई है। सरकार हमसे 8 करोड़ में बिल्डिंग खरीद ले, स्टैम्प चोरी भी उसी पैसों से वसूल ले, पूरे मामले को हाईकोर्ट ले जाऊंगा। फेसबुक पर जारी किए गए 17 मिनट के वीडियो में उन्होंने भाजपा सरकार पर सवाल खड़े करे हैं। उन्होंने कहा है कि मेरे ऊपर स्टैम्प चोरी का मामला इसलिए लगाया गया है क्योंकि चुनाव में मैं नो ड्यूज सर्टिफिकेट न दे पाऊँ और चुनाव न लड़ सकूं। 16 फरवरी को डीएम कोर्ट में सुनवाई के लिए बुलाया गया था, जबकि 20 फरवरी 2022 को चुनाव होने थे। तत्कालीन डीएम नेहा शर्मा ने कोर्ट में तलब किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।